हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फ्रॉम द सेम चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक्सरसाइज 7.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। चॉकलेट, हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। वन कॉइन को 3 बार जो है हमने क्या किया गया, टॉस किया गया, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं। देखो, पहली बार में 2 वेज हैं, हेड आए या टेल आए। ओके बेटा, सेकेंड टाइम्स कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, अगेन हेड आने के, टेल आने के। थर्ड टाइम्स कॉइन को टॉस किया, 3 बार टॉस किया, हमने देखना है टोटल कितने वेज हैं। वैसे तो ये आपको याद हो, हम प्रोबेबिलिटी में 10th में भी कर चुके हैं, बट अब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आपको बताएं, पहली बार कॉइन फेंका 2 वेज, सेकेंड बार कॉइन फेंका 2 वेज, थर्ड बार कॉइन फेंका उसके भी 2 वेज मेरे पास। ओके, तो यहां पर कितने हो गए, 2 × 2 × 2, दैट इज 8 वेज। ओके बेटा, क्लियर, सबको बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है जी, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। What is written in this, beta? Given, मेरे पास हुआ है 5 flags of different colors. How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the another? I am having 5 flags with me. First flag, second flag, so on. 5 flags है मेरे पास. Okay? और मुझे एक सिग्नल बनाना है, एक फ्लैग के ऊपर रख के दूसरा फ्लैग। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हमारे पास हो गए, व्हाट वी हैव टू डू हियर। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट फ्लैग जब सिलेक्ट करूंगी, मेरे पास जो है क्या है, 5 flags है, मैंने पास 5 ways हो गए। अब बेटा, एक जो यूज हो गया ऑटोमेटिकली वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, आपको क्लियर कट यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, बट अंडरस्टूड है कि आपके पास 5 हैं, एक को यूज कर लिया, आप उसको दोबारा थोड़ा यूज कर सकते हैं, तो दैट मींस ये रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला है। तो सेकंड फ्लैग के कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज मेरे पास हो गए वो 5 × 4 20 वेज से मैं, या 20 flags बना सकती हूँ, या 20 ways से मैं फ्लैग बना सकती हूँ। वेज कहना जो है वो करेक्ट वर्ड है, कि चाहे मैं फर्स्ट वाला यूज करूं या सेकंड वाला, ठीक है, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, क्योंकि यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बताया ना, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मैं आगे टेंशन हूं। आगे जब आप करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो सीक्वेंस भी मैटर करे। हाँ जी, अगर वो वर्ड कहता एटलीस्ट 2, तो हमें केसेस बनाने पड़ते, ठीक है ना, कैसे, तब हम कहते कम से कम 2, यानी पहला केस बनाती, जब फर्स्ट केस 2 flags यूज करो, सेकंड केस मुझे क्या करना है, 3 flags यूज करने में। ओके, और फिर केस थर्ड, 4 flag यूज करने, फिर केस 5 जो है मेरे पास, केस 4, 5 flags यूज करने। सबके केसेस निकाल लो, नंबर ऑफ वेज निकाल लो, सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, ये आपकी एग्जांपल में है क्वेश्चन। ओके बेटा, अगर मेरे से मन्नत ने पूछा कि मैम अगर वर्ड होता एटलीस्ट 2 flags यूज कर, तो क्या करते आप, केसेस बनाते, ठीक है, केसेस बनाने में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप अलग अलग केसेस कि कम से कम 2 यूज कर सकते हैं,
तो यानी क्या, अगर मैंने दो फ्लैग्स यूज किए तो कितने नंबर ऑफ वेज है वो निकाल लो। थ्री फ्लैग्स यूज किए वो क्या आएंगे, 5 × 4 × 3। फिर मेरे पास जो है फोर फ्लैग यूज किया, 5 × 4 × 3 × 2, उसके बाद 5 × 5, 5 × 3 × 4 × 3 × 2 × 1। तो सारे केसेस को क्या कर लो, ऐड कर लो। ओके, समझ आ गई बेटा सबको, क्लियर है? चलिए, ये हमारे ही जो गए बेटा टोटली जो गए एक्सरसाइज हो गई। या आप एग्जांपल्स ट्राई करोगे, फोर एग्जांपल्स आर देयर, और उसमें जो नोट है ना हर क्वेश्चन के बाद एक ब्लू कलर में बॉक्स दिया हुआ है, उसको जरूर रीड करना। ओके, रीड दैट बॉक्स इन ऑर्डर टू मेक द अदर क्वेश्चन। ओके जी, चलिए अब हम मेन टॉपिक पे। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए बेटा वो किस पर बेस्ड किए, हमने क्वेश्चन किए अभी तक बेस्ड हाँ जी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग में, हमने उसी पर बेस किए थे। अब हमने मेन टॉपिक पढ़ना है, दैट इज परमुटेशन। हमारे चैप्टर का नाम ये है, परमुटेशन हमने करना है। अब ये परमुटेशन क्या बताता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हमें इतना पता है कि ये नंबर ऑफ वेज है ना किसी भी चीज के, बट क्यों पढ़ रहे हैं? देखो अभी तो हम जो अल्फाबेट बना रहे हैं या कोई भी डिजिट बना रहे हैं वो 5 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, है ना। कोई फ्लैग बना रहे हैं, 5 फ्लैग है उसमें से 3 यूज करने या 2, बहुत इजी है। बट जब हम सर्वे करते हैं उसमें कितने करोड़ों लोग होते हैं, तो हमारे लिए ऐसे मतलब 1 crore × 9999999998, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट विद दैट मेथड, कैलकुलेशन बढ़ जाते। तो इसीलिए हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस जो है एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों अलग अलग है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले परमुटेशन का मीनिंग, आउट ऑफ एन We have to arrange our items. जैसे अभी हमने किया था, 5 flag में से मैंने arrange करने हैं 2 flags. किया था अभी, है ना? अगर 3 flags होता, 5 में से 3 select करने, या 5 में से 4 select करने, अरेंज करने, सिलेक्शन के साथ ही अरेंज भी हो जाता है। ओके, सिलेक्शन के साथ ही अरेंज भी हो जाता है, 5 में से 5 सिलेक्ट करने, बट 5 में से कभी आप 6 नहीं सिलेक्ट कर पाते। दैट मीन्स जब भी ये सिंबल होता है, जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। जब आपके पास चीजें ही 5 है, You are having 5 things with you, तो आप उसमें से 6 तो select कर ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए ये होता है total number of things, और ये है arrange कितनी करनी। Okay? Arrange कितनी करनी, कोई मुश्किल नहीं है करने का। अब इसका फॉर्मूला क्या है ना, इसका फॉर्मूला देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, n factorial over n minus r factorial। अब ये factorial, कई books में factorial ऐसे लिखा होता है, कईयों में इसके साथ explanatory sign डाला होता है s। okay? सबसे पहले मैं आपको जो इसके related बात बताऊं, permutation सिर्फ अरेंज करने के लिए यूज होता है, अरेंजमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप जो है
कोई टीम बनानी, तब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास डिजिट्स थे, हमने फोन नंबर वाला क्वेश्चन किया। मान लो मेरे पास ये डिजिट थे, अगर मैं कहूं कि मैंने इसे एक नंबर बनाना है, नंबर में क्या आएगा? अरेंजमेंट आएगा कि ग्रुप बनेगा? अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि आपने जो है, किसी बच्चे ने ऐसा फोर डिजिट नंबर लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, इस चीज को हम कहते हैं अरेंजमेंट। अच्छा, अगर मैं कहती, देखो दो सिचुएशंस है, मैंने ना प्राइज देने, ठीक है, कैसे देने हैं? मेरे पास एक बाउल में नंबर्स है, ठीक है, ये एक बाउल है और इसमें नंबर है 1 2 3 7 5। मैंने कहा कि मैंने उस बच्चे को प्राइज देना है, आप लोगों को टिकट्स दे दी गई, ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को टिकट्स क्लास में सबको दे दी। मैंने कहा कि मैंने उस बच्चे को प्राइज दूंगी जिसका नंबर मैं बोलूंगी, टिकट नंबर है ना, वो टू डिजिट नंबर है। अब टू डिजिट नंबर है, मैंने इस बाउल में से एक नंबर, दो नंबर उठाए, मान लीजिए वो था 3 और 5, एक मैंने 3 उठाया, एक 5 उठाया। अगर टिकट नंबर है, मैं पहले 3 बोलूं बाद में 5 उठाऊं, डिफरेंस है, पहले मैं 5 उठाऊं फिर मैं 3 आ गया, टिकट का नंबर चेंज हो गया। यहां क्या बात हो रही है? अरेंजमेंट की। तो दैट मीन्स हम किसको यूज करेंगे? परमोटेशन को। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, कैसे? मैंने कहा मैंने कोई टिकट नंबर नहीं रखा, मैंने हर टिकट पे कोई दो डिजिट्स रखे लिखे, एक फर्स्ट कॉर्नर पे, एक सेकंड कॉर्नर पे, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर जो मेरा निकाला हुआ नंबर आपके दो नंबर से मैच कर जाता है, मैच कर जाता है, तो आपको प्राइज मिलेगा। यानी उस केस में अगर किसी बच्चे के राइट लेफ्ट कॉर्नर पे मान लीजिए 3 लिखा है, राइट कॉर्नर पे 5 लिखा है, या दूसरे बच्चे के यहां 5 लिखा, यहां 3 लिखा, मैं दोनों को प्राइज दूंगी। यानी यहां अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, क्या मैटर कर रहा है? ग्रुप सिलेक्शन। मैं जैसे मर्जी ऑर्डर से उठा लू, मैं चाहे पहले 5 उठाऊ या 3, मैंने कहा वो दो नंबर मैच करने चाहिए किसी भी ऑर्डर में, ऑर्डर नहीं हो रहा ना, यहां ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स, यहां ऑर्डर डज नॉट मैटर्स। ओके, मैं और एग्जांपल देती हूं, देखो आपको और क्लैरिटी होगी। हम क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं अपने स्कूल से, अब क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बेटा मैं चाहे पहले मान लो हिमांशु धीर को सिलेक्ट किया, फिर मैंने अर्शदीप को सिलेक्ट कर दिया, डजंट मैटर, मैं चाहे पहले अर्शदीप को सिलेक्ट करती बाद में हिमांशु धीर को सिलेक्ट करती, ध्रुव अग्रवाल को सिलेक्ट करती, जतिन को सिलेक्ट करती, जीवितेश को करती, यहां मैटर कोई नहीं है, मैं जिसका मर्जी नाम पहले लू, मैं जिसका मर्जी नाम, मैंने टीम बनानी है, मैंने टीम बनाई। अब टीम में अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, तो तब सिलेक्शन के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी है? कॉम्बिनेशन। लेकिन जब अरेंजमेंट होता है तो मैं किसकी हेल्प लेती हूँ? परमुटेशन। मैंने रोल नंबर अलॉट किए, बहुत मैटर करता है, मैंने पहला रोल नंबर अदिति को दिया मान लीजिए, या दूसरा नंबर अदिति को दिया, 7 रोल नंबर अर्शदीप को दिया, अगर अर्शदीप को 2nd दे दूंगी, अदिति को 7 दे दूंगी, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो तब नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी हेल्प की जरूरत है? परमुटेशन। सबको दोनों में डिफरेंस पता चल गया, मैं दो वर्ड्स बोल रही हूं बार बार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क। अभी मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं बताया,
अभी मैंने फैक्टोरियल ओपन करने का फॉर्मूला नहीं बताया। सबसे पहला मेरा काम था आप दोनों को इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस, मतलब आपको ये पता होना चाहिए मैंने परमोटेशन का फॉर्मूला लगाना कि मैंने कॉम्बिनेशन का। अच्छा, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जिसमें तुम पहले सिलेक्शन करोगे, मतलब पहले कॉम्बिनेशन लगाओगे फिर उनको अरेंज करोगे, मतलब इन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट भी आता है, वो साथ साथ बताएंगे। यहां तक सबको बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व परमोटेशन, पहले उसी का कॉन्सेप्ट चलता। परमोटेशन का मैंने आपको बता दिया अरेंजमेंट। अच्छा, मैंने याद पता कैसे किया हुआ है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, पी फॉर परमोटेशन, पी से ए बन जाता है अरेंजमेंट, ओके। सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी से जी बन जाता है ग्रुपिंग। इट इज इजी कि परमोटेशन, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, ग्रुप, ओके जी। चलिए, अब मैं आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी है ना, परफेक्टोरियल ओपन करना जो है मेरे बच्चों को नहीं आता है, तो मैंने ये समझा दिया आपको कि काम इसका आंसर वही होगा जो हमने अभी क्वेश्चंस किए। जैसे फाइव फ्लैग्स थे, मैंने थ्री यूज करने हैं, तो आप कहते थे फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, ऐसे ही करते थे। यहां लिखोगे फाइव पी जो है थ्री, इसका आंसर भी यही आएगा अल्टीमेटली सॉल्व होकर। बट अभी मैंने सॉल्विंग बताई नहीं क्योंकि मुझे पहले आपको फैक्टोरियल बताना। मैं सीधा बता देती फैक्टोरियल क्यों बताया, जस्ट इन ऑर्डर टू इवेल्युएट दिस फॉर्मूला, ओके क्लियर। चलिए, अब मैं फैक्टोरियल पे आ रही हूं। सबसे पहले मैंने दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर दिया, लेट अस अंडरस्टैंड फैक्टोरियल फर्स्ट। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी फैक्टोरियल पर बेस है। सबसे पहले एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन, पता कहां तक, टिल वन तक। एग्जाम्पल समझाती हूँ, देखिए फैक्टोरियल थ्री, थ्री इंटू टू इंटू वन। फैक्टोरियल टेन, टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब टिल वन तक आपने करना। मैं बता दूं यहां पर n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन ही होता है। अगर आप जीरो भी लिखते हो तो जीरो फैक्टोरियल भी वन ही होता है। फैक्टोरियल वन भी वन होता है, फैक्टोरियल जीरो भी वन ही होता है, ओके। सबको बात समझ आ गई। अब फैक्टोरियल के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखिए, मैं एन फैक्टोरियल को, एक तो मैंने ये बताया ऐसे लिख सकते, मैं इसको एन इंटू, इसको कोई बच्चा बता सकता है मैं कैसे लिख सकती, अगर ये, हाँ जी सोचो बताओ, अगर n से स्टार्ट होके 1 तक है आप लिखते हो n फैक्टोरियल, तो अगर n माइनस 1 से स्टार्ट होके 1 तक है तो क्या लिख सकते, हाँ जी काव्या, यस 26 रोल नंबर काव्या, सॉरी बेटा एक सेकंड, हाँ जी कीजिए अनम्यूट। n माइनस 1 फैक्टोरियल, यस वेरी गुड, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। यानी अगर 10 फैक्टोरियल है, आपको जहां तक खोलना है, मान लो आपको 10, 9, आगे 8 फैक्टोरियल लगा सकते हैं, जितने खोले बाकी सारा किसमें आएगा, फैक्टोरियल में, अगर सारा नहीं खोलना। ये क्यों जरूरत पड़ती है, मान लीजिए आपको कहा इवेल्युएट दिस, तो आपको क्या जरूरत है पूरा पूरा खोलने की, नीचे एक फैक्टोरियल है तो आप क्या करो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल करते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का नहीं होता, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं,
ओके बेटा, क्लियर? हाँ तो वो बेटा फिर नीचे कोई ना कोई कटिंग फैक्टर होता है जिसे कैंसल हो जाता है। अगर नहीं है तो राइट द आंसर इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब तो सब्जेक्टिव पेपर ही है, अब आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए लेट अस डू एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। बहुत इजी और आपने एक सेकंड में कर लेनी है। लेट अस डू। ओके, मेरे पास हो गए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। जल्दी जल्दी 8 फैक्टोरियल कैसे करेंगे? अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूं मैं, वेट। हाँ जी हिमांशु धीर, अनम्यूट योरसेल्फ। हम 8 से लेके 1 तक खोल देंगे। हम 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यस यस यस, वेरी गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ये कभी नहीं कर सकते कि 4 माइनस 3 1, दैट इज रॉन्ग। फैक्टोरियल में ना ऐड ना मल्टीप्लाई, कुछ नहीं ऐसे कर सकते। अदिति, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ। अदिति बेटा, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ। देखते अर्शदीप, अर्शदीप, अर्शदीप बेटा, आर्यमन। यस मैम। हाँ जी बेटा बताइए मुझे। 4 × 3 × 2 − 1 − 3 × 2 × 1। बिल्कुल जी, मेरे पास हो गए 3 × 2 = 12 × 2 = 24 − 6 = 18 is the answer। अगर आपने देखो, हाँ जी 4 बाहर निकाल लिया फैक्टोरियल 3, आप कह रहे हो अंदर लिख दें, और ये इसको माइनस तो नहीं कर सकते, ये तो 4 इसके साथ है ना मल्टीप्लाई। बोर्ड मार्क्स में भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस माइनस करते हैं, है ना? ये गलत। नंबर कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं उसके बाद। अगर आप क्या कॉमन लेना, रूट 3 कॉमन भी ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 − 3। तो बेटा 3 फैक्टोरियल को खोलना तो है ही है ना, 3 yes, ma'am. 2 into, बात तो वही है, ये ठीक है। बट मन्नत इज सेइंग समथिंग डिफरेंट कि मैम फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 0 है ना, एंड 4 into 0 इज 0, उसको मैं इस बात के लिए बोल रही थी। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इस फैक्टोरियल जो है 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7, क्या ये बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करो, देखो बराबर आएगा? कभी नहीं आए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि फैक्टोरियल a प्लस फैक्टोरियल b इज equal to factorial a plus b, that is not possible। ना minus होता है ना multiply होता है, common लेके ही कुछ ना कुछ करना पड़ता। okay clear बेटा, सबको बात समझ आ गई? चलिए next करवाते हैं question number 3 from the factorial। हाँ जी बेटा, question number 3 में मेरे पास जो है देखिए 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब क्लियर कट मुझे पता, नीचे 6 फैक्टोरियल है, नो नीड टू ओपन होल, पूरा टिल 1 तक उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, 8 इनटू 7 इनटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 4 आंसर 28। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट अब देखिए जरा कैसे हम कोशिश करते हैं ओपन करने की, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 4, इफ 1 बाय फैक्टोरियल 6 1 बाय फैक्टोरियल 7 इज एक्स बाय फैक्टोरियल 8, फाइंड एक्स। कोई जरूरत नहीं है पहले ओपन करो, हमेशा फैक्टोरियल में जो सबसे छोटा है ना
सबसे छोटा, वहां तक ओपन कर लो, फैक्टोरियल सिक्स सबसे छोटा है तो कटिंग हो सकता है मेरा, एट सेवन फैक्टोरियल सिक्स, इसका बेनिफिट क्या हुआ, फैक्टोरियल सिक्स ओपन लो, ये कट जाएगा, इधर क्या बचा, वन प्लस वन बाय सेवन, एक्स बाय फिफ्टी सिक्स, सेवन एलसीएम, सेवन प्लस वन, एक्स बाय फिफ्टी सिक्स, ये कटिंग एट, एट उधर भी ले जाओ तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर। ओके बेटा, यस हिमांशु, एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे पास जो है सेवन फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है एक्सरसाइज का क्या है, दैट इज इवैल्यूएट एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर उसने कहा है दैट इज गिवन टू यू एन इज सिक्स आर इज टू मेरे पास। अब क्या करेंगे, n 6 है r 2 है मेरे पास, तो व्हाट यू हैव टू डू, पुट द वैल्यूज देयर। हां जी, 6 6 माइनस 2 4, 6 5, हम 6 को 4 तक होल देंगे, फिर 4 के साथ कटिंग कर देंगे 4 फैक्टोरियल के। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, 30 इज द आंसर, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर। आई थिंक फैक्टोरियल का कांसेप्ट सबको पता चल गया, मैं फिर बता दूं फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही होता है, फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का नहीं होता, मतलब नेचुरल नंबर्स का होता है, वैसे फैक्टोरियल जीरो जो है वो वन होता है, फैक्टोरियल वन भी वन ही होता है, ठीक है। और जब भी डिवीजन में आए तो हमारी टारगेट होता है कि उतना ऊपर वाले या बड़े नंबर को खोलें जितने तक छोटा नंबर, ताकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल हो जाए और हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट, बेटा ये प्रूफ मैं आपको भेज दूं, ठीक है, वो एक मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से हम निकालते हैं, दैट आई विल सेंड इट टू यू। ओके चलिए, अब बेटा देखिए, अब हमने जो करना है कॉन्सेप्ट कि परमुटेशन को अप्लाई करना, क्योंकि बेसिकली ये फॉर्मूला एनपीआर का ही है, मींस आउट ऑफ एन थिंग्स वी हैव टू अरेंज आर थिंग्स, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल नहीं आता होता तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए अब देखिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाने लगी हूं, आप चाहे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा लो, चाहे परमुटेशन लगा लो, ये आप पर बेस्ड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है क्वेश्चन है, दैट इज एग्जाम्पल 9th ऑन द पेज 144, ऑन द पेज 144। अब बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक नोट लिखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर पी फैक्टोरियल। व्हाट डज इट मींस, मान लीजिए मेरे पास डिजिट से 0 1 2 2 3, चलो मैं 0 नहीं लेती, मैंने इनको अरेंज करना चारों के चारों से बनाने, ठीक है, 4 में से 4 ही सिलेक्ट की, लेकिन दो डिजिट सेम है, मैं पहले वाले 2 को यहां लिख दूं, दूसरे वाले 2 को इधर, या इसको इधर, इसको इधर,
कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, नंबर तो सेम ही रहना। तो जो रेपिटेशन होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब टू फैक्टोरियल से। और मैं एक चीज आपको बता दूं, एन पी एन वो एन फैक्टोरियल ही बन जाता है। कैसे? अगर हम देखें एन पी एन, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एन पी आर का, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल बताया था। एन पी एन, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल। और मैंने बताया जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन। यानी ये याद कर लो, अगर सेम सेम हो एन पी एन, फोर पी फोर, तो यहां वो फोर फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल बनना। ओके बेटा, क्लियर? तो इसीलिए मैंने बोला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने रेपिटेशन है उतने फैक्टोरियल, क्योंकि वो केस तो सेम ही बना ना। आप खुद सोचिए, वन टू टू थ्री ले लू, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, या वन टू, इन दोनों नंबर्स में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम। ऐसे कितने नंबर हो गए, वन थ्री टू टू, वन थ्री टू टू, ये टू थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दैट्स व्हाई वो जब सेम बार बार केसेस आ रहा है, वो तो हमारे में डबलिंग होगी ना, हमारे लिए तो वो सेम ही है। तो उतने फैक्टोरियल हमने वो बीच में से नंबर्स को निकालना। ओके बेटा, क्लियर? चलिए अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, तब आपको पता चलेगा कि मैम ने इतना कुछ आज बताया, वो यूज कहाँ हुआ, ठीक है, स्टोरी बताई इतना कुछ। तो लेट अस डू। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको कह रही थी, एग्जांपल नाइन्थ जो है, ऑन पेज 144, फाइंड द नंबर ऑफ परमोटेशन। यहाँ तो वर्ड ही लिख दिया परमोटेशन, वेज नहीं लिखा, यानी 100% परमोटेशन भी लिखना है, ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद एग्जाम्पल नाइन्थ। अब देखो, उसने कहा इनका परमोटेशन करना, यानी सारे के सारे लेटर्स को यूज करना। अच्छा, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 के 9 को अरेंज करना है मैंने, तो क्या हो गया 9p9। और 9p9 को हम सीधा भी लिख सकते हैं क्या, 9 फैक्टोरियल। यानी एक अच्छा बच्चा सीधा ही लिखेगा नंबर ऑफ वेज। क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का या 4 का भी आ सकता है, ठीक है, तो आपने सीधा लिखना है नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनों की रेपिटेशन हो रही है, ए कितनी बार है, 4 बार, 4 से डिवाइड, एल कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, दिस इज माय आंसर बस। अब फैक्टोरियल को सॉल्व करना मैंने पहले ही बता दिया, 9 को 4 तक खोलेंगे, 4 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 2, ये 2 फैक्टोरियल 2 ही रहना है, इसको किसी से भी काट दो आंसर को मल्टीप्लाई कर। ओके बेटा, ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, बट मैं डिस्कस जरूर करूंगी, दैट इज योर होमवर्क, ट्राई टू डू द वर्क। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा।